फ्रेंड कैसे आप सब लोग। फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडवांस फॉर्म 31 ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर देंगे मेंबर होम। फ्रेंड मेंबर होम टाइप करने के बाद यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए योर नंबर पासवर्ड है, यहाँ पर हम योर नंबर पासवर्ड टाइप कर लेंगे। फ्रेंड देखिए योर नंबर पासवर्ड हमने टाइप कर लिया है, उसके बाद हम साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद फ्रेंड इस तरीके का इंटरफेस आएगा, उसके बाद यहाँ नीचे लेटर इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए चार पांच ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन दे रखा है ऑनलाइन सर्विस, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पे फर्स्ट में ऑप्शन दे रखा है क्लेम फॉर्म 3119-10C-10D, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर लिखा है, इसके आगे यहाँ बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे हम अकाउंट नंबर टाइप कर देंगे। फ्रेंड अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद इसके नीचे देखिए वेरीफाई लिखा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड देखिए आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे यस है, यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इस पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड देखिए उसके बाद नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आई वांट टू अप्लाई फॉर, इसके साथ बॉक्स बना हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है पी एफ एडवांस फॉर्म 31, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड देखिए उसके बाद नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखा है सिलेक्ट सर्विस, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड देखिए यहाँ पे तीन चार कंपनी आ रही है, तो जो भी कंपनी से हमें एडवांस निकालना है वो कंपनी हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट कंपनी है तो फर्स्ट वाली कंपनी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप है परपोस एडवांस, मतलब कि किस पर्पस के लिए आप एडवांस लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है इस पर हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड देखिए यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं, नीचे दे रखे हैं, जो नीचे वाले ऑप्शन है वो एप्लीकेबल नहीं है, ओनली सिर्फ ऊपर वाले एप्लीकेबल है, तो इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमें इनलाइंस का भरना है, तो इनलाइंस का जो सर्कल है उस पर हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड उसके बाद नीचे दे रखा है अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायरमेंट, कितना अमाउंट हमें एडवांस के लिए भरना है वो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। फ्रेंड देखिए अमाउंट टाइप करने के बाद नीचे लिखा हुआ है एम्प्लॉई एड्रेस, उसके साथ यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड एड्रेस टाइप करने के बाद यहाँ पे देखिए अपलोड स्कैन एंड कॉपी चेक या पासबुक, जो भी हमारे पास अवेलेबल है चेक या पासबुक वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है चूज़ फाइल, इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड हम यहाँ नीचे से फाइल सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए लेफ्ट साइड में एक बॉक्स बना हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड इस तरीके का इंटरफेस आएगा। उसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है गेट आधार OTP, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड उसके बाद देखिए नीचे OTP मोबाइल नंबर पे सेंड हो चुका है, यहाँ इंटर OTP लिखा हुआ है, इसके आगे बॉक्स बना, यहाँ पे हम OTP टाइप कर देंगे। फ्रेंड OTP टाइप करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, उसके बाद हम इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए मैंने उसके बाद हमारा ऑनलाइन